इसी हफ्ते के साथ बैरिस्टर बाबू में एक नई कहानी, एक नया दिन और एक नई सफर पे चल पड़े हैं बोधित और अनिरुद्ध। चलिए जानते हैं क्या कुछ होता है उनके नए घर में जहाँ पे वो राजा रानी की तरह बने हुए हैं और क्या कुछ होता है उनके साथ आज के एपिसोड में। नमस्कार आप सभी का, आप देख रहे हैं सिने स्पीक्स, मैं हूँ आपके साथ दीक्षा जैन। तो दोस्तों आज का एपिसोड बड़े ही मजेदार होने वाला है क्योंकि ये वाली जो ठाकुमा है, जो ये न्यू नवेली नई नई ठाकुमा है, वो बिल्कुल अलग ठाकुमा है, बिल्कुल ही मस्ती खोर वाली कह सकते हैं, बहुत ही अच्छी, बस दिल फेंक, जिसे कहते ना दिल फेंक सासुमा वैसी है। या तो मैं बता दूं उनके साथ ये सीन है कि जो उनको जितना प्यार करेगा वो उस हिसाब से उनको प्यार करेंगी। अब दोस्तों उनकी बहू रानी को एकाए बोधिता को खींच के जब ठाकुमा के सामने लेके जाती हैं, तब तो डरी हुई होती है बोधिता कि अब क्या होगा। पर दोस्तों जैसे ही वो ठाकुमा को देखती है और वो उनसे कहती है, उनसे बातचीत करती है, वो एकदम खुश हो जाती है, वो चौंक जाती है कि ये कैसी ठाकुमा है। क्योंकि दोस्तों पहले ही मुलाकात में वो कहती है कि तुम मुझे अम्मा करके नहीं बुलाओगी, तुम मेरा नाम लेके बुलाओगी, कली हूँ मैं कली। और तभी दोस्तों बोधिता का हाथ देख के वो एकदम से कहती है कि तुम तो नौकरा, तुम्हारी जो लकीरें हैं वो तो नौकरानी वाली है ही नहीं, तुम तो किसी बड़े महल की रानी हो। जी हाँ दोस्तों, ये वाली बात सुन के बोधिता और अनिरुद्ध जो की पीछे से सबको देख रहा होता है डर जाते हैं। पर तभी दोस्तों मजाक में ठाकुमा कहती है, अरे तुम तो किसी दिल की रानी हो, तुम अभी ऐसे काम क्यों कर रही हो। तो दोस्तों बोधिता वहां पे खुश हो जाती है, वो हंसने लग जाती है। तभी दोस्तों वो उनसे कहती है कि अरे कल बहुत बड़ा दिन है, कल अगर जो हवन कुंड होगा उसमें किसी ने भी शादी करी तो उसका सात जन्मों का साथ रहेगा। जब उसे ऐसा कुछ कहते हैं पंडित जी, और तभी वहां पे हवन कुंड की बहुत सारी तैयारी चल रही होती है। वही दोस्तों जब अनिरुद्ध और बोधिता एक साथ मिलते हैं तो दोनों के मुंह से एक ही शब्द निकलता है कि कली हम दोनों शादी कर लेंगे। अब दोस्तों ये दोनों छोटी छुपे शादी नहीं करना चाहते, तो दोस्तों नीचे टेबल के नीचे घुस के एक टेलीफोन के द्वारा वो अपने घर में कॉल करते हैं, जहाँ पे एक तरफ बोधिता अपनी माँ सुमति को कॉल करती है और टुपुर उठाती है फोन, और टुपुर से वो कहती है कि प्लीज आप मेरी मम्मी को बता देना कि मैं शादी कर रही हूँ। पर वहां पे टुपुर चुप रहती है क्योंकि वहीं पे सुमति ऐलान कर देती है कि अब मैं बोधिता की कभी शक्ल नहीं देखूंगी, वो मेरे लिए मर चुकी है। वही दोस्तों अनिरुद्ध अपनी माँ को करता है कॉल और वो उनसे कहता है अपनी भाभी को कि मैं शादी कर रहा हूँ बोधिता से। तो वो बहुत ही खुश होकर कहती है कि सारी रीति रिवाज के साथ बोधिता की मांग भरना, बहुत ही अच्छे तरीके से शादी करना, जिससे तुम्हारा सात जन्मों का साथ बन जाए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, कल बोधिता अनिरुद्ध की शादी होगी या फिर से कोई बड़ा कारनामा होने वाला है? आप हमारे साथ बने रहिए फॉर डेली लेटेस्ट अपडेट्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।